आशा, मेरी बच्ची, ये क्या कर लिया तुमने अपने से? तुम सही तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बताओ। क्या आपको मेरा ख्याल रहा? आप लोगों ने एक दफा भी नहीं पूछा मुझसे कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, किस हाल में हूँ। किसी को मेरी एक भी दफा ख्याल नहीं आया। पापा ने इतनी दफा मेरा नहीं पूछा। मामा, तुमसे इतने गाफिल नहीं है। तुम जानती भी नहीं हो तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी अपसेट रही हूँ। तुम्हारे बाबा जो है वो सो नहीं पाते हैं रात को, तुम्हें इतना मिस करते हैं। झूठ मत बोले मामा मुझसे। होने की बेटी हूं मैं, जानती हूं कि उनके दिल में अपने बच्चों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। और उनके ऐसी एटीट्यूड की वजह से मैं ये कदम उठाने पे मजबूर हुई हूं। इतना बदगुमान हो हमसे? हाँ मामा, मैं गलत हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं जज्बाती हूँ, मानती हूँ मैं सब कुछ। लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है आज तक? पहले आप लोगों को डेविड से एतराज था तो जबरदस्ती आप लोग मुझे पाकिस्तान ले आए। फिर रिच और हैंडसम लड़कों से शादी के ख्वाब दिखा के एंड में आपने सिलेक्ट किसको किया? उस राजी को जो हमारे ही टुकड़ों पर पल रहा है। मामा, हंसी एटलीस्ट इस झूठे मकार शरी से तो हजार गुना बेहतर है ना, जो तुम्हें इस घटिया से घर में ले आया है। क्या तुमने अपने साथ नताशा, किस बात की जल्दी थी? कोई जल्दी नहीं थी मामा, मुझे बस डर था इस बात का कि कहीं बाबा मेरी शादी उस राजी से ना करा दे। ऐसे से जान चुराने के लिए तुमने ये कदम उठाया? करोगी तुम? कैसे यहां से निकलोगी? कुछ नहीं, हमेशा थोड़ी रहूंगी यहां पे। मतलब है, क्या करने का रहता तुम्हारा? तलाक लेके घर वापस आ जाऊंगी मामा, और क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? 2 हफ्ते शादी के बाद तुम तलाक लेके घर आ जाओगी और तुम समझ रही हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हें माफ कर देंगे? तो मामा आप क्यों है? आप जाके बाबा को मनाएं, उनसे कहें मुझे माफ कर दें, मुझे घर वापस आना है। ताशा, ये इतना आसान नहीं है। तुम जानती हो अपने बाप को? मैं यहाँ भी कितनी मुश्किल से आई हूँ छुप छुपा कर, तुम्हें अंदाजा नहीं है। मामा, मैं उनसे खुद माफी मांग लूंगी, आप बस उनको मना लें, मुझे घर वापस आने दें। मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं रुक सकती, मेरा दम घुट जाएगा। क्यों नहीं समझ रही आप इस बात को? सोचना था ना ताशा। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ सोचती हूँ। तुम यहाँ मेरे पास बैठो, आओ आओ। तेरा तुम बताओ मुझे, डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें? तो दवाई ले रही हो ना तुम? मत छोड़ दे प्लीज, स्टॉप बेटा, फिक्र है मैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।